हर चीज को हम एक ही एंगल से नहीं देख सकते, इसके बहुत सारे एंगल होते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको जनता की बेहतरी के लिए कैसे काम करना है, अंत्योदय, क्योंकि जनता समझदार है, जनता बहुत समझदार है, जनता समझदार है, जनता को, जनता वो वाली जनता नहीं है कि आप उनको बहला फुसला को, अब जनता समझदार होती जा रही है। राजस्थान भाजपा में बड़ा कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, तो जो खिचड़ी पकड़ी है कांग्रेस में वो समझ से परे है। पायलट का समझ में नहीं आता कि वो जहाँ जाते हैं उनसे मीडिया सवाल करता है, वो सिर्फ ट्रैप में उलझ जाते हैं। हार को लेकर हम इस वजह से हारे, हमने ये करा, हम टिकट काटते, वही डोटासन ट्रैप में उलझे। ये अशोक गहलोत को घेर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत पे चारों तरफ से अटैक, और हम राजनीतिक लेवल चर्चा होने लगी है कि अशोक गहलोत का दौर गया, अब अशोक गहलोत शांत हो गए, केंद्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन ने सही उनको जिम्मेदारी दे दी। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक का खास कार्यक्रम राउंड अप राजस्थान। इसमें हम तमाम जो गतिविधियां होती है राजस्थान की जो पूरे दिन में घटित होती है उसको लेकर चर्चा करते हैं, और जो भी घटनाएं आज घटित हुई हैं उसको लेकर हम विचार भी चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान चौक की वेबसाइट हेड निर्मल पारिक जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं निर्मल सर। जो कल का दिन है वो काफी खास होने वाला है राजस्थान के लिए, जैसे कि पहले केंद्र का बजट, अंतरिम बजट जो था वो पेश किया गया था, अब राजस्थान का कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ कहना है, क्योंकि सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो ये है कि दिया कुमारी इस बार बजट को पेश कर रही है बतौर जो है वित्त मंत्री और साथ में डिप्टी सीएम। क्या महसूस हो रहा है, क्या सोचना है आपका? राजस्थान, दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला होंगी जी, जो पहली वित्त मंत्री और पहली महिला होंगी जो मुख्यमंत्री के पद पर ना रहते हुए आजादी के बाद जी। ना रहते हुए बजट पेश कर रही है जी। और कल पूर्ण बजट नहीं होगा जी। अंतरिम बजट कह सकते हैं, अंतरिम भी नहीं कह के, ये लेखानुदान टाइप का होगा, क्योंकि सरकार मेरे हिसाब से जुलाई अगस्त के बाद में पूर्ण बजट लेके आएगी जी। और ये है जो एक अंतरिम बजट का ही प्रकार है, जिसको हम लेखानुदान बोल रहे हैं जी। अब इसमें बहुत सारी कल की जो जिस हिसाब से अभी जो सीएम बजलाल का विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में जो भाषण हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे सरकार के विजन, आने वाली सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या उसके एजेंडे होंगे, इस पर सारे एक उन्होंने पूरा पूरा अपने भाषण में एक पूरा विजन रखा था जी। अब इसके बाद में जो कल का बजट होगा, और उस बजट में भी एक सरकार आने वाली किस गति से और किस किन एजेंडों पर सरकार चलेगी, वो पूरा एक उसका एक परफॉर्मा रखा रख दिया जाएगा। तो उसमें मैं जो महत्वपूर्ण जो मेरे पास जानकारी है कि किन किन योजनाओं में क्या क्या बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं युवाओं के लिए कैसे, तो मैं बिंदुवार वो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले चिरंजीव योजना पर मेरे हिसाब से कल की बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है कि एक तो उसका नाम बदला जा सकता है, क्योंकि और उसका नाम बदल के चर्चा है कि आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उसी नाम से राजस्थान में उसका दायरा बढ़ाया जा सकता जी, है कि उसको 15 लाख तक की लिमिट की जा सकती है, उसमें बीमारियों का कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड रहेंगी ये सब उसमें होगा। दूसरा सबसे बड़ी जो इनके मैनिफेस्टो में भी था, संकल्प पत्र में जो बीजेपी ने कहा कि हम, और कई भाषणों में कि हम सरकार बनने के बाद पेट्रोल और डीजल की जी, क्योंकि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की जो एसोसिएशन है, यूनियन है, उन्होंने प्रोटेस्ट स्ट्राइक में रहे थे और कई पेट्रोल पंप भी बंद जी, रहे जी, थे जी, जी। तो उसके बाद वादा किया गया था कि हम सरकार बनने के बाद इस पर एक चर्चा करके और कम करने की कोशिश, क्योंकि पड़ोसी राज्य के यूपी हो, हरियाणा हो, इनके मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल की दरें ज्यादा है जी। तो हो सकता है कि या तो इस पर डायरेक्ट घोषणा हो जाए कि इतना परसेंट वेट कम करके, और हो सकता है कि कमेटी गति, तो क्योंकि हाल ही में बदनलाल, सीएम बदनलाल जब दिल्ली गए थे तो पेट्रोलियम केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी उनसे मुलाकात भी की थी। तो इसके बाद चर्चा है कि कल बड़ी चर्चा है कि एक ये भी बड़ी घोषणा हो सकती है। तीसरी इसमें जो बड़ी घोषणा है कि जो यहाँ के स्थानीय जो उद्योग है उनमें राजस्थान के युवाओं को आरक्षण, क्योंकि हरियाणा सरकार ऐसा कर चुकी है, तो उसमें बड़ी चर्चा भी हुई थी देश में कि प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन ये राजस्थान का हक भी है क्योंकि पैकेजिंग कंपनी जो होती है उनके अंदर, और राजस्थान के जो जितने बड़े उद्योग हैं, जिन जो राजस्थान सरकार जिनको
लीज जमीन दे रखी है, ये राजस्थान में जिनका राजस्थान से सरकार से टाइप है, बड़ी जो राजस्थान के अंदर उद्योग लगे हुए हैं, बिल्कुल, तो उनमें राजस्थान सरकार के, राजस्थान के युवाओं को आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि जो राजस्थान का जो दिल्ली मुंबई हाईवे उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो नीमराणा हो, चाहे वो भिवाड़ी हो, चाहे वो जयपुर में झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो, सीतापुरा हो, जोधपुर में हो, पाली में हो, उदयपुर में हो, तो ये सारे तमाम किशनगढ़ का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इन सब में कल हो सकता है कि इन सब में युवाओं के लिए आरक्षण की घोषणा हो जाए। चौथा एक महिलाओं के लिए, और लोकसभा चुनाव सर पे भी है, तो महिलाओं के लिए एक लखपति दीदी, जैसे केंद्र में भी, और मध्य प्रदेश में भी अभी लाडली एक योजना थी, उसके आधार पर वहां कहा जा रहा है कि उसके चुनाव में बहुत फायदा मिला बीजेपी को, तो मुझे हो सकता है कि कल लखपति दीदी के भी वो सुना जाए कि इसमें स्वयं सहायता जो SHG ग्रुप होते हैं उनसे जुड़ी हुई महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, और उनके हो सकता है उनके लिए कुछ नगद राशि की घोषणा हो जाए, या उनके लिए कुछ जो कर्ज या कि भाई SHG ग्रुप को कर्ज मिलेगा, वो अपने सेल्फ स्टार्टअप कर सकती है, इस तरीके की योजना आ सकती है। एक नई जो मैं भी पढ़ रहा था कि अस्पतालों में एक प्रत्येक वार्ड में एक वॉलंटियर रखने के लिए एक हो सकती है घोषणा, तो ये भी बड़ा होगा क्योंकि ये गुजरात का मॉडल है, जो गुजरात में तमाम हॉस्पिटल, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा प्लस अस्पतालों की भी व्यवस्थाएं तंदुरुस्त होंगी। एक चौथा इसमें है कि गाय पालनी, जो इनका संकल्प पत्र में था कि गाय, देसी गाय जो राजस्थान की नस्ली है, जिसको भारत यूपी खासकर नॉर्थ इंडिया में जो देसी गाय होती है उस पर सब्सिडी मिल सकती है। एक है कि बड़ी जो घोषणा है वो कल, ये बड़ी घोषणा होगी, दर्शकों को बता दूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो गहलोत सरकार की, जो जिसके लिए गहलोत सरकार ने बड़े जोर शोर से हिमाचल में वो लागू हो गई, कर्नाटक में वो लागू, तो इसका कांग्रेस सरकार की ये फ्लैगशिप योजना थी और इसका बड़ा प्रचार किया गया था चुनाव को लेकर, काफी तो विवाद भी रहा था, काफी विवाद में रहा चुनाव में समय, तो अब इसमें हो सकता है कि एक आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है NPS और OPS को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉडल है कि वहाँ वेतन का जो लास्ट होता है उसका आधा फीसदी, मतलब 50% एक साथ पैसा देने का, और उसका फिर वो पेंशन का एक तरीका होता है, तो उसमें पहला पैसा वैसा सारा कटता है, वो जो OPS और NPS का मिला जुला स्वरूप है। और एक बड़ी घोषणा इसके साथ ही, एक युवाओं के लिए नई भर्तियां निकल सकती हैं, कहा जा रहा है कि कार्मिक विभाग ने और वित्त विभाग तक RPSC को कुछ कहा जा सकता है कि अभी RS की 2021 की जो भर्ती, उसके बाद तो अब नई भर्ती के लिए घोषणा की जा सकती है। रीट की पदों के लिए क्योंकि इस सरकार में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए मेरे हिसाब से नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है। पुलिस विभाग में भर्तियों की घोषणा हो सकती है, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों की घोषणा हो सकती है, जुडिशरी में हो सकती है। निर्मल जी, देखा जाए जब केंद्र का बजट आया था तब इतना लोक लुभावना लोगों के लिए, आम जनताओं के लिए नहीं था। हाँ, हम बात कर, ये वो भी देखा जाए तो लोक इसलिए नहीं था कि जो भी घोषणा बजट में, प्रिया बता दूं कि बजट में जो घोषणाएं होती है उसको पूरा करना होता है, उसको संकल्प पत्र हुआ या मैनिफेस्टो ये सब एक फौरी बातें होती है, लेकिन बजट जो होता है वो नियम होता है, कानून होता है, और वो सदन संसद में रखा जाता है, उसके बाद में उसमें जवाब दिया जाता है, वो कमेटियां जो भी बजट में होता है वो पूरा बिंदुवार लेखा जोखा देना पड़ता है, तो हम इसलिए सरकार जो भी बजट में घोषणाएं करती है वो बहुत सोच समझ के और बहुत रिसर्च करने के बाद करती है कि ये हम जमीन पे लागू हो, उन योजनाओं को जमीन पे लागू होना ही पड़ता है, अगर नहीं हुआ तो उसका बाकायदा उसका डेटा दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता, सारी चीजें होती है, तो बजट में जो घोषणाएं होती है वो धरातल पे उतरने का, उन पर उतरती ही है लगभग। इसके साथ ही जो एक बड़ी घोषणा होगी वो PKC और जो ERCP जो हुआ है इसको लेकर कल बजट का घोषणा हो सकती है, क्योंकि पूर्व में भी घोषणाएं हो चुकी है लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरी, अब जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले दिनों जब ये MOU साइन हो चुका है तो मुझे लगता है कि कल एक इस पर भी बजट की घोषणा होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजस्थान के लगभग 4,000 करोड़ का राजस्थान का खर्च आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये पूर्ण बजट में होती है या इस क्योंकि अब अगर ये ERCP, लेकिन
ये कहा तो ये जा रहा है कि ये लेखानुदान होता है। लेखानुदान का सीधा सिंपल सा रूप होता है कि जब तक सरकार दो तीन महीने तक एक खर्च चलाने के लिए कुछ पैसा जो खजाने से जो राजस्व विभाग होता है वहां से पैसा लेना। लेकिन इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ये उसके साथ साथ इसमें बड़ी घोषणाएं होंगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है तो ERCP किसी उसमें अभी क्या बड़ा मुद्दा है। 13 जिलों से 21 जिलों तक इसको दायरा भी बढ़ा दिया योजना का। तो और ये कहा जा रहा है कि अभी पीएम मोदी ने कहा है कि जो बड़े जो ये जो कैन बेतवा जो परियोजना है चाहिए है इन सब का शिलान्यास और उद्घाटन नरेंद्र मोदी सरकार को करना है। ओके। और इन्हीं सालों में करना है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले जो कल जो परसों जो लोकसभा में जो भाषण दिया उसमें भी कहा था कि हमारा जो अब मोदी 3.0 कार्यकाल आने वाला है कि हमारा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों आना होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा फैसला है क्योंकि ये केंद्र का फैसला होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से बड़ी घोषणाएं संभव है। और एक जो ये बहुत ही अच्छा और मेरे हिसाब से बहुत ही अगर ये निर्णय होता तो बहुत ही बेहतर निर्णय होगा कि जल जीवन मिशन की जो योजना है इसको लेकर जो जो सारा पूरा इसका जो काम होता है ये पंचायतों को सौंपा जा सकता है। और मेरे हिसाब से सौंपना भी चाहिए क्योंकि पानी का मुद्दा है और पानी का मुद्दा अगर कोई राज्य सरकार इसको जलदाय मंत्रालय के पास क्योंकि जलदाय मंत्रालय वाटर वर्क्स में होते हैं वो इससे अच्छा कि पंचायत के पास हो तो इस पंचायत अपने रिसोर्सेस से पानी की व्यवस्था करे और वो सारा जो मंत्रालय जलदाय मंत्रालय वो पैसा पंचायतों को दे। तो ये पंचायत अगर जिसको संभालेगी तो इसमें क्योंकि पंचायत में जब ये जाएगा तो वार्डपंच तक पहुंचता है और वार्डपंच तक पहुंचता है तो हर वार्ड के ऊपर एक जिम्मेदारी होगी क्योंकि ये एक पॉलिटिक्स से भी जुड़ जाएगा। तो पानी की व्यवस्था करवाना घर घर तक नल पहुंचाना क्योंकि मोदी सरकार ने भी जल जो जल नल योजना जो है वो भी साकार है तो उसका ही आगे का एक चरण होगा कि भारत में किसी भी घर तक क्योंकि अभी भी बहुत सारा देश का बड़ा इलाका है जहाँ पानी नहीं पहुंचता है। तो ये और एक राजस्थान तो ये और खासकर राजस्थान के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर ये होता है कि जल जीवन मिशन की जो योजना है उसको पंचायत को सौंपी जाए तो क्योंकि नरेगा को जब से पंचायत के अंडर में लाया तो देश को रोजगार संकट से एक जो गरीब तबका है जो पिछड़ा तबका है उसको एक बहुत संबल मिला है। तो उसको देखते हुए मेरे हिसाब से जल जीवन मिशन को अगर पंचायत से हो जाए तो बहुत ही बेहतर निर्णय होगा। तो ये तो आने वाले वक्त में अब कल ही का दिन है जहां पर जो इंतरिम बजट है हमारे राजस्थान का वो पेश हो जाएगा और साथ में जितनी आपने तमाम जानकारियां दी हैं निर्मल जी कि ये सारी सौगातें इस बार पेश की जा सकती है चाहे वो महिला होगा युवा वर्ग हो गया किसान वर्ग हो गया किसी भी हर वर्ग को जो अच्छी सौगातें इस बार मिल सकती हैं। अब अगले अपने टॉपिक पर आते हैं निर्मल जी लोकसभा चुनाव की बात करें क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है लोकसभा चुनाव को लेकर तो राजस्थान में भी सक्रिय बनी हुई है सरकार दोनों सरकारों की हम बात करें चाहे वो विपक्ष की सरकार है सत्ता में जो हमारी सरकार है दोनों ही पूरी तरह से अपनी तैयारियों में लगी हुई है और खास तौर पर अगर हम बात करें भजनलाल सरकार की तो अभी वो दिल्ली में है जोशी के घर पर उनकी बैठक चल रही है क्या कहना है किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज राजस्थान चाहे वो लोकसभा के सांसद हों चाहे वो राज्यसभा राज्यसभा वो सारे कहा तो जा रहा है लेकिन अभी मेरे पास जो सूचना है कि राजस्थान भाजपा में बड़ा कुछ परिवर्तन होने जा रहा है जी। और इसको मुझे जो जितना लग रहा है मेरे सूत्रों के अनुसार कि राजस्थान भाजपा में कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो या तो प्रदेशाध्यक्ष बदलकर हो सकता है प्रभारी बदला गया था लेकिन अंदर का ने खबर है कि प्रभारी को रिपीट कर दिया अभी कुछ चुनाव तक जिम्मेदारी दे रखी है क्योंकि उस समय चर्चा थी कि राजस्थान का प्रभारी बदला जाएगा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का आदेश निकल चुका था लेकिन अभी वो यहाँ सक्रिय है तो राजस्थान की उनको एक जिम्मेदारी दे रखी है मौखिक तौर पर। अब वो क्या देखने वाला क्या बदलाव होने वाला लेकिन बदलाव होगा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा। और आज जिस हिसाब से सांसदों का तो जा रहा है कि अल्फार एक पार्टी थी छोटी सी लेकिन राजनीति में कोई पार्टी नहीं होती है और जो भी जन पब्लिक में जो पूरी जनता जहां मीडिया हो जहां तो ऐसा कोई पार्टी होती नहीं है वो कहा जाता है लेकिन कुछ ना कुछ लोकसभा को लेकर खिचड़ी तो पक रही है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं कितने क्योंकि एक तो हार गए सांसद जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा था चाहे वो भागीरथ चौधरी हों
देवजी पटेल हो, नरेंद्र कीचड़ हो, तो इनको टिकट दोबारा दिया जाए या नहीं दिया जाए। दूसरा मुद्दा होगा कि बहुत सारे सांसदों के टिकट काटने की बात चल रही है, चाहे वो जयपुर में शहर में हो, जहाँ और चार सांसद जीत कर आ चुके हैं, किरोड़ी लाल मीणा जीत चुके हैं, दिया कुमारी, कर्नल राज्यवर्धन और बालकनाथ, तो अब इनकी जगह किसको उतारा जाए, प्लस जयपुर शहर, जोधपुर शहर, झुंझुनू, गंगानगर, कोटा, सब जगह चर्चा चल रही है कि क्योंकि कोटा में ओम बिरला को कहा जा रहा है कि अब अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है, सतीश पूनिया को अगर राज्यसभा नहीं भेजाएगा तो अजमेर से लड़वाया जा सकता है, राजेंद्र राठौड़ को चूरू से लड़वाया जा सकता है क्योंकि उनका वहाँ विवाद, अगर वहाँ राहुल कसवा दोबारा रिपीट होते तो रात दिया कुमारी की जो खाली है राज्य वहाँ राठौड़ को भेजा जा सकता है, जयपुर ग्रामीण से जो खाली है वहाँ सतीश पूनिया को लड़वाया, तो तमाम मुद्दे चर्चाएं चल रही हैं, कयासबाजी चल रही है। लेकिन आज जो दिल्ली में मीटिंग थी उसके बाद से ये तो तय है कि कुछ ना कुछ बदलाव होने जा रहा है, और टिकट कितना कटेंगे लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोग नए चेहरों को दे सकते हैं, हाँ नए, हाँ क्योंकि मोदी सरकार का एक जो एजेंडा रहा या स्ट्रेटजी रहती है भाजपा की कि उनको पता रहता है कि एंटी इनकम्बेंसी, और क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक मोदी का चेहरा, अब अगर वो रिपीट करते हैं किसी को गुस्से में जनता ने हरा दिया सांसद को, तो इससे अच्छा है मोदी जाते हैं कि गुस्सा रहे ना, किसी नए को लाओ फिर जनता उस पर प्रयोग करती है, और ये बीजेपी इस खेल में माहिर है, तो कि इस खेल में माहिर है तो वो कर सकती है। दूसरा कि अभी आज सीएम मदनलाल दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई है, संसद में भी गए हैं, ओम बिरला से मुलाकात हुई है, तो हो सकता है कि कल बजट में कुछ उसको देखने को मिलेगी, क्या क्या उसमें बजट को लेकर और लोकसभा चुनाव में किसका सीएम अगर मिल रहे हैं तो क्या इसमें मतलब बड़ा कुछ निर्णय तो होने जा रहा है, पक्का फैसला कुछ ना बड़ा तो होगा, परिवर्तन तो देखने को मिलेगा राजस्थान। दूसरा आपने चर्चा की कि विपक्ष की जो राजस्थान में बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसमें तो बड़ा खेल चल रहा है वहाँ भी, कि मैं जो चर्चा कर रहा था कि वहाँ तो मैं देख रहा था कहीं कि जो आप सचिन पायलट का जो पिछले 3-4 इंटरव्यूज, हमारा तीसरा मुद्दा भी निर्मल जी यही था कि हम दर्शक आपको बता देते हैं कि हम तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो यही है कि जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसका अभी क्या चल रहा है देखने को मिला है लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि अशोक गहलोत अभी इतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं पहली चीज तो चुनावों को लेकर। अगर हम उसी जगह बात करें सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात कर ले, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर ले, सचिन पायलट की बात कर ले, जितने भी ये बड़े नेता हैं सारे काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि अब कांग्रेस में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, या हम कह सकते हैं कि अशोक गहलोत का जो लेवल है, या हम कह सकते हैं अशोक गहलोत की जो पोस्ट है अभी उसके ऊपर कुछ इनका मतलब कुछ चल रहा है कि कुछ हटाया जाए, कुछ नया लाया जाए? ये मेरे हिसाब से इसमें जो मैं अभी चर्चा ही कर रहा था कि कांग्रेस में भी इस बार बड़े बदलाव देखें, ये तो क्योंकि रंधावा पहले संकेत दे चुके हैं कि जब बीजेपी अपने सांसदों को चुनाव लड़वा सकती है तो हम हमारे विधायकों क्यों नहीं लड़वा सकते, तो बीजेपी के जो कांग्रेस वो बीजेपी के अकॉर्डिंग चलती है? नहीं, वो उनका कहने का एक जो तात्पर्य था कि बीजेपी जब बड़े नेताओं को छोटा चुनाव लड़वा सकती है तो हम छोटे नेताओं को या हमारे बड़े नेताओं को, जैसे कि सचिन पायलट हो गए, डोटासरा हो गए, अशोक चांदना हो गए, अशोक गहलोत हो गए, तो मंत्री जो खास कर रहे तो इनको चुनाव लड़वा कर हम जीत सकते हैं, तो और कुछ युवा चेहरों को जैसे कि सीकर से सीताराम लांबा की चर्चा है, पाली से सुनील चौधरी की चर्चा है, जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा की चर्चा है, भीलवाड़ा राजसमंद भीलवाड़ा से कार्तिकेय चौधरी की चर्चा है, तो ये सारी चर्चाओं को देखते हुए लग सकता है कि इस बार युवाओं को और बड़े नेताओं को चुनाव में लड़वा के और फ्रेश नेताओं को, क्योंकि इस बार फ्रेश नेताओं पे कांग्रेस का ज्यादा जोर है, क्योंकि इस बार जिस वो तरह से हार का सामना करना पड़ा है विधानसभा चुनाव, क्योंकि मोदी सरकार इसमें बीजेपी ने हमेशा ऐसा किया कि फ्रेश नेताओं को लाती है लोकसभा चुनाव में, जैसे कि पिछले इस जयपुर शहर की मैं अगर एग्जाम्पल दू तो जयपुर शहर में रामचंद्र बोरा को चुनाव लड़वाया, लेकिन रामचंद्र बोरा नहीं थे इससे पहले, किसी कोई और था, तो इस तरीके से ही ऐसा बीजेपी करती है कि ये नए नए चेहरों पे चुनाव लड़वाती है।
कि एक चेहरा बहुत रिपीट कम करती है, बड़े चेहरे होते हैं उनको रिपीट करती है और दूसरी जगह नया चेहरा उतार देती है, तो इससे कि फायदा मिलता है। तो इस बार भी लोग भी पार्टी में आते रहते हैं एक तरीके से, केसेस आते रहते हैं चुनाव, तो कांग्रेस भी इस बार नए चेहरे प्लस बड़े नेताओं के साथ, जिनमें सचिन पायलट की भी बड़ी चर्चा है। और दूसरा एक जो खिचड़ी पकड़ी है कांग्रेस में वो समझ से परे है कि बयानबाजियों का दौर, लेकिन कांग्रेस हमेशा एक तो बयानवीर नेता है कांग्रेस में कि वो बयानबाजी से रुकते नहीं है, चाहे वो संकट में हो, इस समय अग्रेसिव होना चाहिए। उनका खुद की हार को लेकर हम क्यों हारे, अब वो गया, हार गए, गया हार अब को लेकर अब वो पायलट, मुझे पायलट का समझ में नहीं आता कि वो जहां जाते हैं उनसे मीडिया सवाल करता है वो उसी ट्रैप में उलझ जाते हैं, हार को लेकर हम इस वजह से हारे, हमने ये करा, हम टिकट काटते, वही डोटासन उस ट्रैप में उलझे। अब ये ट्रैप में उलझ रहे हैं, इस प्लान तो मुझे नहीं नजर आता इसमें कोई फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, ये अशोक गहलोत को घेर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत पे चारों तरफ से अटैक, और हम राजनीति के लिए हम चर्चा होने लगी है कि अशोक गहलोत का दौर गया, अब अशोक गहलोत शांत हो गए, केंद्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन में सही उनको जिम्मेदारी दे दी, तो वो वहां एक्टिव है, अब यहाँ कुछ जो सक्रिय राजनीति उससे दूर हो गए, और लग भी रहा है वो कुछ अभी ना कहीं जा रहे हैं ना कोई दौरे हैं उनके, अब वो बीमार भी हैं, तो इससे लग रहा है अब। और इसी उसके समानांतर में देखे तो डोटासरा और रंधावा और टीकाराम जुली पूरे राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, सभी लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, वहाँ डोटासरा कुछ बयान दे रहे हैं कि हम इस वजह से हार गए, बीकानेर में बोला, बाड़मेर में उन्होंने बोला, अब ये क्या प्लान है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो समझ से परे हैं। लेकिन इसको अगर कांग्रेस चुनाव को नजरिए देखे तो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी है जी। इससे बेहतर मुझे लगता है कि इससे बेहतर अग्रेसिव होके और मोदी सरकार की योजनाओं में, राजस्थान सरकार की क्या क्या योजनाएं थी, भजनलाल सरकार को कैसे घेरा जा सकता है, राजस्थान में मोदी सरकार की क्या क्या घेराबंदी हो सकती है, उस पर बोलना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, क्या क्या कमी अब रह रही है, वो सब ना करके आप अभी भी हार की चर्चा, अब तो हार हो गई है, अब ये अब पता नहीं किस तरीके की राजनीति है, ये तो वही जाने। बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल जी, एक आखिरी हमारे पास मुद्दा है जो कि काफी सक्रिय बना हुआ था लंबे वक्त से, हम बात करें यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अभी भी आप, मैं भी फील्ड रिपोर्टिंग पे रहती हूँ तो पता होता है कि क्या चल रहा है। तो अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो तिरंगा गर्ल जो कि तंजिम थी, उनके बाद उनसे मुलाकात की हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है, उन्होंने बात की, उन्हें आश्वासित किया कि आने वाले वक्त में जो है यूसीसी को धरातल पर लागू किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है यूसीसी को, तो क्या लगता है सेम राजस्थान में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? अब ये तो जब से उत्तराखंड में लागू हुआ था इसकी तो राजस्थान में जोर शोर से चर्चा है जी। और मुझे लगता है कि या तो अभी या दोबारा जब विधानसभा चलेगी उससे पहले इसका ड्राफ्ट कुछ ना कुछ तो तैयार होगा जी। क्योंकि एक साथ राजस्थान के कल 3 कैबिनेट मंत्रियों ने जी। बयान दिया, जैसे उत्तराखंड में लागू हुआ तो कल 3 बड़े कैबिनेट मंत्रियों ने, जिनमें किरोड़ी लाल मीणा है, कन्हैया लाल चौधरी है और मदन दिलावर है, तीनों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, राजस्थान में भी ऐसा लागू होना चाहिए, अब राजस्थान में भी इसकी जरूरत है, क्योंकि अभी भारत में यूसीसी कहीं लागू नहीं हुआ। गोवा के बाद में दूसरा राज्य है, अब अगर राजस्थान में ऐसा कुछ होता है तो, और क्योंकि अभी हाल ही में जो जयपुर का हिजाब विवाद, अभी आपने चर्चा की कि तिरंगा गर्ल जो अनशन पे बैठी थी वो भी हिजाब बैन को लेकर अनशन पे रही, फिर वहां दिलावर जाके उनका अनशन तोड़वाते हैं, तो और ये जयपुर का जो हिजाब विवाद है इसमें तो बड़ी चर्चा हुई सदन विधानसभा में तक ये मुद्दा गूंजा। अब अगर यूसीसी पे मंत्रियों के एक साइड के एक तरफा बयान आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर खाने इस बात की तो चर्चा है कि राजस्थान में ऐसा कुछ बिल लाया जाए, और अगर ये राजस्थान में लाया जाएगा तो ये राजस्थान के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है, या राजस्थान की जो कल्चर है, या आपको क्या लगता है आपके हिसाब से यूसीसी को अगर लागू किया जाएगा राजस्थान में तो कितना फायदेमंद होगा और कितना नुकसान? यूसीसी का कोई फायदा नहीं है, तो मैं अगर मेरे नजरिए से बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई यूसीसी किसी के काम आने की चीज है। यूसीसी एक मुद्दा है, अब ये काम किसी का कोई फायदा हो जाएगा, जैसे कि मैं कह सकता हूँ 3 तलाक है, ये एक बड़ा इशू था, इसमें बहुत महिलाओं के लिए फायदेमंद चीज थी वो एक, लेकिन यूसीसी से कोई फायदा नहीं होगा कि ये समान नागरिक संहिता,
अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, अब उसमें अगर आप बात करो कि मैं कह दूं कि ये हिजाब पहनेंगी नहीं पहनेंगी, शादी को लेकर की बहु विवाह प्रथा, लिव इन का बातें, रिलेशनशिप के लेकर, अब लिव इन पे वैसे भी बहुत सारे कानून हैं। अब इन लिव इन में जो उत्तराखंड का जिस हिसाब के, अगर उत्तराखंड की तर्ज पे जो मैं पढ़ रहा था उस कानून में कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अब लिव, अब कोई अगर दो लोग साथ रह रहे हैं उसके परिवार को सूचना देनी होगी जी। तो इससे क्या होता है कि एक समय तक तो ये ठीक लगता है, निजी जीवन में घुस रहा है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, एक समय तक तो ठीक लगता है, बातें सुनने में ठीक लगता है। कई बार क्या इसका जो इसको बल मिलता है इसी चीजों को, वो मिलता है कि कोई ना कोई क्राइम हो गया। मान लो कि कोई लिव इन में रह रहा है तो, और उसके साथ कुछ घटना हो गई, जो दिल्ली में जैसा केस हुआ था कि वो लिव इन में रह के फिर उसकी बॉडी को काट, तो इस तरीके से देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे बड़े उन लोगों पे ज्यादा फर्क पड़ता है कि जो अब जिसे रह रहे हो, अब वो हो सकता है कि दो प्रेम करने वाले व्यक्ति दो साथ में रह रहे हो, दो कोई पढ़ने वाले व्यक्ति साथ में रह रहे हो। हर चीज को हम एक एंगल से नहीं दे सकते, इसके बहुत सारे एंगल होते हैं। तो अब इसमें अगर वो किस तरीके के नियम होंगे ये तो सरकार बता पाएगी ज्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ काम करने के लिए बहुत है। नई नई सरकार बनी है, बहुत सारे काम है, सारी ऊर्जा और लिव इन में ऊर्जा दोगे जनता को, क्योंकि राजस्थान में तो वैसे पेपर लीक पे आपको बहुत काम करना है, युवाओं के रोजगार के लिए बहुत काम करना है। अभी कोयले का संकट है, अब गर्मी आने वाली है, बिजली का संकट है, स्वास्थ्य व्यवस्था है राजस्थान की, ट्रांसपोर्टेशन राजस्थान का बहुत, अभी जाम की समस्याएं बहुत चल रही है राजस्थान में कि हर शहर प्रदूषण, अभी सूखा, अभी इस समय सर्दी कम पड़ती है, बरसात ज्यादा होती है, कभी होती नहीं है, तो तमाम चीजें हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन इन सरकार को ज्यादा वहां काम करना चाहिए बजाय इन फालतू के मुद्दों। अब वो उत्तराखंड सरकार क्यों ऐसा कर रही है वो उत्तराखंड सरकार जाने, लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान में ऐसे ये तो वो काम हो गया कि जो सरकार मेन मुद्दा नहीं है ये, और इस पे ऊर्जा व्यस्त करना है जी। ये सरकार शांति से जब राज्य चल रहा हो उस समय आपको और बेहतर कैसा हो, जो कि नरेंद्र मोदी का विजन है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको जनता की बेहतरी के लिए कैसे काम करना है, अंत्योदय जो उनका एक ध्येय है उसके लिए कैसे काम करना है, तो उस पे काम करना है बजाय। और कुछ जैसे कि हर सरकार में होते हैं मंत्रियों के साथ दिक्कत होती है हर सरकार में कि कुछ बयानवीर बहुत होते हैं जी। जैसे कि पिछली सरकार में बहुत सारे नेता जो बयानों की बयानबाजियों में रहकर सुर्खियों में रहने में उनको मजा आता था, जनता ने उनको इस बार चेप दिया। इस बार मुझे लगता है कि क्योंकि जनता समझदार है, जनता बहुत समझदार है, जनता समझदार है अब जनता वो वाली जनता नहीं है कि आप उनको बहला फुसला दो, अब जनता समझदार होती जा रही है। और धीरे धीरे पांच, और जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है घर घर, तो जनता को इतना तो एजुकेशन शिक्षा की व्यवस्था जब बढ़ रही है, हाँ, डेटा तो सबको सबको सब पता चलता है कि कौन क्या बोल रहा है, हमारे काम की क्या चीज है। और ये जनता में एक अंदर खाने समझ आने लगी है, तो आप जनता को नेता अगर समझ के और इस तरीके से फालतू के मुद्दों में उड़ जाके वोट नहीं ले पाएंगे, इससे बेहतर है कि आप काम करो। और जहां जहां जिस जिस सरकार ने काम किया है जनता ने उसको रिपीट किया है, लेकिन राजस्थान में अब काम की दिक्कत है क्या है, क्योंकि यहाँ 30 साल से रिपीट नहीं हो रहे, तो वही जनता है, वही खेल और वही मैदान और वही घोड़े, तो यही जनता ना समझे कोई भी, चाहे वो मंत्री हो कोई भी हो, कि हम बयान देके फालतू मुद्दों में जाके फिर 5 साल बाद, क्योंकि यही जनता 5 साल बाद दिशा मांगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और कल का जो दिन है वो भी खास होने वाला है राजस्थान के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, हमारे इन तमाम मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा करी, डिस्कस किया कि किस तरह से UCC को लागू किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, या फिर क्या कुछ अभी CP जोशी के घर पे बैठक जो हुई है उसको लेकर हमने तमाम चर्चाएं की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल राजस्थान चौक के साथ। नमस्कार।